हे गाइस, आज किस वीडियो में बताने वाले हैं फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर से आप बात कैसे करेंगे हिंदी में। जी हाँ, वो नंबर मेरे पास है, मैं आप सबके सामने डिस्प्ले पे शो करवा दूंगा, जो कि आप सब इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं फ्लिपकार्ट ओनर से। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दें कि आपको नंबर कैसे मिलेगा और आपको कहाँ देखना है नंबर, जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के अंत तक। और अभी तक इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिए, ताकि मैं इस टाइप का जब भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर मिले समय समय से वीडियो देखने के लिए। तो चलिए गाइस, हम वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन कर लेना होगा। देखिए, मैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो चलिए, हम फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन कर लिए। और करने के बाद आपको आना है 3 लाइन की पट्टी पे। चलिए, हम 3 लाइन की पट्टी इस पर क्लिक किए और यहाँ से आपको प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे नीचे क्लिक करना है। और जब भी क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कर्नाटका इंडिया यहाँ पे लिखा हुआ है और फ्लिपकार्ट का ये नंबर है, फ्लिपकार्ट का ये जीमेल भी है। तो देखिए, इस नंबर पे आपको कॉल करना है। इस नंबर को हम अपने डायल में रखे हैं, तो चलिए हम डायलर में अपने इस कॉल को करते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या फ्लिपकार्ट का ये नंबर है सही या गलत। साथ में आपका स्वागत है नए इंडिया के साथ। हिंदी में आगे बढ़ने के लिए एक दबाइए। इस फोन नंबर के जरिए प्लेस किया गया कोई भी ऑर्डर हमें नहीं मिला। प्रोडक्ट, सर्विसेज या ऑफर्स के बारे में जानने के लिए एक दबाइए। फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध पेमेंट मोड्स के बारे में जानने के लिए 2 दबाइए, अन्यथा 3 दबाइए। गाइस, ये नंबर जो डिस्प्ले पे शो हो रही है, इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। जिस तरह से मैं बात किया हूँ, मैं तो बात नहीं किया हूँ लेकिन कॉल लगाया था। मेरे साथ कोई इसमें परेशानी नहीं है, इसके कारण मैं इसमें कॉल पे बात नहीं किया हूँ। अगर आप सबको परेशानी हो रही है तो मैं नंबर आप सबको दे दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वीडियो के बैकग्राउंड में है, वीडियो पे चल रहा है नंबर। आप इस नंबर को नोट कीजिए और फ्लिपकार्ट ओनर से बात कीजिए, जो भी आपके साथ परेशानी हो रही है वो उस परेशानी को आप सोल्व करवा सकते हैं बात करके इस नंबर पे। लेकिन हाँ, आपको हिंदी में बात करने के लिए 1 दबाना होगा, अगर इंग्लिश में बात करना चाहते हैं 2, जिस भी भाषा में आप बात करना चाहते हैं वहाँ पे नंबर बता रहा है, आपको फट से नंबर दबा देना होगा, यानी कि लेट नहीं करना होगा, नहीं तो आगे बढ़ जाएगी तो इसमें आपको दूसरे भाषा में बताने लगेगा। तो इस तरह से फ्लिपकार्ट में आप बात कर सकते हैं और किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करवा सकते हैं गाइस। तो गाइस, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।